नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिलासपुर संभाग पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में सारे जिलों को हम एक एक करके पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूरा बस्तर संभाग, पूरा सरगुजा संभाग खत्म कर लिया है और बिलासपुर संभाग हमने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली ये तीन जिले पढ़ चुके थे। मतलब बिलासपुर संभाग के अंतर्गत हमारा तीन जिला और बाकी है। कौन कौन सा? तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक, चलिए एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। काफ़ी दिनों में हम पढ़ रहे हैं तो कनेक्ट करिएगा, है ना। देखिए, जैसे ये हमारा हो जाता है क्या, बिलासपुर डिवीज़न। बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था बिलासपुर को, है ना। ये मुंगेली, ये बिलासपुर, ये है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो उसमें से ये तीन जिले हमने खत्म कर लिए हैं, रेस्ट हमारा ये तीन जिला बचा है अभी। ठीक, तो इन्हीं जिलों में से हम अभी ये जो कोरबा जिला है ना, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं ये क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ेंगे। देखो, चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं पहले, है ना। चलिए तो मैप बनाते हैं फिर कोरबा जिले का। कुछ इस तरीके से हम कोरबा जिला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब देखो कोरबा के पहले हमने, चलिए ये जो इधर वाला जो डायग्राम था ना, वो मैं बना के रखूं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, है ना। ये देखो, कुछ इस तरीके से हमने बिलासपुर डिवीजन का मैप पढ़ा था। तो इसमें देखिए, ये है हमारा क्या, बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। तो इस तरीके से हम यहां पे बना देते हैं क्या, बिलासपुर। देखिए सेम वही काम कर रहे हैं। बिलासपुर से एक सड़क जाती थी, कौन सी सड़क? देखो कुछ इस तरीके से बिलासपुर से एक सड़क जाती थी, कहां के लिए? रतनपुर के लिए। कहां के लिए? रतनपुर, जो कि बिलासपुर जिला में है। और रतनपुर से ही जो सड़क है वो सीधे निकल के कहां पे जाती है? कटघोरा में, कटघोरा। और यहां से फिर ये सड़क जो है वो ऊपर निकल जाती है कुछ इस तरीके से। और ये कौन सी सड़क है? तो ये है हमारी नेशनल हाईवे नंबर 130। ठीक, नेशनल हाईवे नंबर 130 हमने बिलासपुर में पढ़ा था उसके बारे में, है ना। तो वही जो नेशनल हाईवे नंबर 130 है, जो कि कहां से आती है? मुंगेली से आती है। मुंगेली से बिलासपुर होते हुए फिर इधर ऊपर जाती है। तो वही नेशनल हाईवे नंबर 130 जो है, ये बिलासपुर से रतनपुर होते हुए कटघोरा जाती है और कटघोरा से ऊपर निकल जाती है। कहने का मतलब है कोरबा जिले में जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 130। इसके अलावा एक नेशनल हाईवे और है, देखो, और उसको पहले पढ़ने से पहले ना हम इसके बॉर्डर्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कोरबा जिले के बॉर्डर में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। देखो बॉर्डर्स की हम बात करें तो कुछ यहां तक के पड़ेगा क्या, सरगुजा जिला, और यहां पर सूरजपुर और कोरिया। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसमें पड़ेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये पूरा बिलासपुर का बेल्ट आ जाता है। ठीक, बिलासपुर तक क्लियर हुआ? अब देखो ये बिलासपुर का बेल्ट है, अब यहां पर आ जाएगा जांजगीर एंड चांपा, जांजगीर चांपा लगभग यहां तक, और यहां से पूरा ये ऊपर तक का एरिया है रायगढ़। इस तरीके से कितने जिलों से घिरा है? तीन और तीन छह। तो कोरबा जिला जो है वो छह जिलों से घिरा हुआ एक भू आवेष्टित जिला है। क्या है? भू आवेष्टित जिला। इतनी बातें क्लियर हुई, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक, तो यही जांजगीर चांपा में जो चांपा है ना, चांपा,
यहां से एक नेशनल हाईवे जो है वो जाती है यहां तक। चलिए इसको अगर ऐसा ना बनाए हम, थोड़ा सा घुमावदार रही है ना, कुछ इस तरीके से मान लीजिए आप, यहाँ पे अगर हम, हमारा कोरबा जिला मुख्यालय है तो कुछ इस तरीके से आती है ये सड़क ये, और ये वापस जाके मिलते ही कहाँ, कटघोरा में। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो, इतनी चीजें हमने देख ली कि भैया कौन कौन सी नेशनल हाईवे है, कहां से आके कनेक्ट कर रही है कोरबा में। कोरबा का जिला मुख्यालय ये है, ये कटघोरा है, याद रखेंगे, है ना। कटघोरा एक तहसील है वहां पर, ठीक है। देखो तो ये जो सड़क है नेशनल हाईवे नंबर 130 में एक जगह है आपको याद रखनी है, आप जाएंगे तो यहां पर आपको पड़ेगा, वो है पाली। ठीक, पाली, पाली से ऊपर अब एक सड़क आप इमेजिन कीजिए, और इसमें कुछ जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको याद रखना है। कौन कौन सी जगह हैं, तो देखिए सबसे पहले सीजी, छत्तीसगढ़ नहीं है ना, सीजी मतलब चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ के बाद एलजी, लाफागढ़, लाफागढ़ के बाद पलमागढ़, और पलमागढ़ के बाद यहां पर पड़ेगा आपको तुम्माड़। चैतुरगढ़, लाफागढ़, पलमागढ़ और तुम्माड़, चैतुरगढ़, लाफागढ़, पलमागढ़ और तुम्माड़। इस साइड आपको मिल जाएगा क्या, सेंदूरगढ़, सेंदूरगढ़, और इधर मिल जाएगा आपको मातिन, सेंदूरगढ़ और मातिन, इतनी जगह याद कीजिए। देखिए नेशनल हाईवे नंबर 130 में हम कहां से निकल रहे हैं, बिलासपुर से। बिलासपुर से निकले ना, बढ़िया जाके रतनपुर में माता के दर्शन किए, महामाया माता के, और उसके बाद फिर निकल गए कहां, आगे 130 में, तो हमको पड़ेगा पाली। कोरबा जिले में एंटर कर चुके हैं हम, हमको पड़ेगा पाली, और पाली से ऊपर जाएंगे तो क्या क्या पड़ेगा हमको, चैतुरगढ़, लाफागढ़, पलमागढ़ और तुम्माड़। उसके बाद एक साइड में सेंदूरगढ़, दूसरे साइड में आ जाएगा आपका मातिन, मातिन, ये कुछ इस तरीके से है ना, मातिन, मातिन। ठीक, उसके बाद आगे जाएंगे तो ऊपर आपको एक जगह यहां पर पड़ेगा पोड़ी उपरोड़ा, फिर आके ये कटघोरा, कटघोरा को क्रॉस करते हुए जब ऊपर जाएंगे तो सरगुजा जिले में एंटर करने से पहले आपको पड़ेगा क्या, उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस रोड की बात करते हैं, ये रोड चापा से आ रही है, और ये रोड कौन सी है, तो नेशनल हाईवे नंबर 149B, नेशनल हाईवे नंबर 149B है ये, ठीक है ना। देखो इसमें कौन कौन सी जगह आएंगी, तो देखो इसमें सबसे पहले यहां पे आपको पड़ेगा मड़वा रानी माता का मंदिर, उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, तो मड़वा रानी माता के मंदिर के बाद आपको पड़ेगा कुदुरमाल, कुदुरमाल के बाद आपको क्या पड़ेगा, एल्यूमिनियम पार्क, एल्यूमिनियम पार्क। ठीक, फिर कोरबा जिला मुख्यालय पहुंच गए हम, अब यहां पर जाएंगे तो आपको यहां पर पड़ेगा दर्री, एक बैराज है, दर्री बैराज है ना, हसदेव नदी पे वो पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, तो जमुनी पाली पड़ेगा, और जमुनी पाली के बाद आपको पड़ेगा छुरी कोसगई, और उसके बाद फिर कटघोरा। इतनी चीजें क्लियर हुई, एक बार अच्छे से याद कीजिए, नेशनल हाईवे नंबर 149B, चापा, चापा से मड़वा रानी माता का मंदिर, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पड़ेगा क्या, कुदुरमाल, फिर एल्यूमिनियम पार्क, मड़वा रानी माता का मंदिर, कुदुरमाल, एल्यूमिनियम पार्क, फिर कोरबा, कोरबा के बाद दर्री बैराज, जमुनी पाली और छुरी कोस गई, दर्री बैराज, जमुनी पाली, छुरी कोस गई, दर्री बैराज, जमुनी पाली, छुरी कोस गई, और उसके बाद कटघोरा पहुंचेंगे, और कटघोरा से फिर वही नेशनल हाईवे नंबर 130 हम पकड़ेंगे और सीधे फिर ऊपर सरगुजा की ओर निकल जाएंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो देखो ये बिलासपुर है, बिलासपुर से एक रोड आती है कहाँ, सीपत, बिलासपुर में ही है, हमने पढ़ा था, है ना, NTPC है सीपत में।
यहां से सीधा एक रोड जो है वो कोरबा जाती है, ठीक। और इस पर तीन जगहें आपको याद रखनी है, दीपिका, कुसमुंदा और गेवरा। दीपिका, कुसमुंदा, गेवरा, ठीक। इन सब के अलावा एक जगह यहां पर और याद रखना है आपको, वो है आपका क्या, करतला। करतला, इतनी जगह हमको कोरबा में देखनी है, ठीक। क्लियर हुई बातें? अब चलो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देखते हैं सारी जगहों का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं इन सारी जगहों को तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए देख रहे हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पाली की। तो पाली जो है बाणवंशी राजा, जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो अलग अलग बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, मेनली हम कलचुरी और मराठाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसको छोड़ के भी कुछ रीजनल जो राजवंश थे, क्षेत्रीय राजवंश थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा, तो यहां एक थे बाणवंशी राजा जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो बाणवंशी राजा विक्रमादित्य की राजधानी कौन थी? पाली, ठीक। बाणवंशी राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी कौन? पाली। इसके अलावा पाली में एक शिव मंदिर है, पाली में एक शिव मंदिर है, और ये जो शिव मंदिर है इसको नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। जो केंद्रीय विरासत स्थल होता है ना, राष्ट्रीय विरासत स्थल जिसको हम कहते हैं, उसमें शामिल है, सेंट्रल हेरिटेज है एक यहां का पाली का शिव मंदिर। इसके बाद हम जाते हैं चैतुरगढ़। तो चैतुरगढ़ में तो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कलिंग राज के द्वारा। अब ये कलिंग राज कौन था? तो कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, जो छत्तीसगढ़ की जो शाखा थी कलचुरी वंश की, उसका संस्थापक माना जाता है। 1000 एडी में इसने कलचुरी वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में की थी, किसको हरा के? तो यही बाणवंशी जो राजा था इसको हरा के, ठीक। तो उसी के द्वारा चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर बनवाया गया। इसके अलावा ये वाला जो बेल्ट है ना, ये पेंडालोरमी के पठार के अंतर्गत आता है, और ये जो बेल्ट है टोटल इधर का ये पूरा एरिया, यह प्राकृतिक रूप से इतना धनी एरिया है ना कि आप मतलब यहाँ का सौंदर्य देखते रह जाएंगे, और इसीलिए चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का काश्मीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काश्मीर कहा जाता है। किसको? चैतुरगढ़ को। फिर आते हैं लाफागढ़। तो लाफागढ़ जो है छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक था लाफागढ़, और लाफागढ़ को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। अब चित्तौड़ क्यों कहा जाता है? देखिए मतलब किसी चीज को अगर किसी दूसरे चीज से तुलना की जाती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दोनों के बीच में इंटर रिलेशन होता ही है। तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहे जाने के पीछे कारण यह है कि जब आप चित्तौड़ कभी गए होंगे या कभी जाएंगे तो देखिएगा कि जो अरावली माउंटेन सीरीज के जो ऊंचे ऊंचे जो भाग है ना, वहां पर किले बने हुए हैं, ठीक है, राजपूतों के, और उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के ये जो लाफागढ़ का किला है ना, ये भी ऊंचाई पर, पहाड़ी पर स्थित है, और इसीलिए इसकी तुलना चित्तौड़गढ़ से की जाती है। तो आपसे कभी भी अगर प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, तो आप लगा के आएंगे क्या? लाफागढ़, ठीक। लाफागढ़ के बाद आते हैं पलमागढ़। तो पलमागढ़ जो है, ये पूरा मैंने पहले ही बताया आपको, ये जो पूरा बेल्ट है ये पेंडालोरमी के पठार के अंतर्गत आता है, और पेंडालोरमी के पठार का सबसे पीक पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो वो है पलमागढ़, याद रखेंगे। पलमागढ़ पेंडालोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। इसके बाद तुम्हाड़। तो तुम्हाड़ में क्या है? तो याद रखेंगे 1000 एडी में या 1000 ईस्वी में जो कलचुरी थे, जिनका हेडक्वार्टर था कहां? त्रिपुरी, वर्तमान जबलपुर, वहां से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था कलिंगराज, और उस कलिंगराज ने यहां के बाणवंशी राजा को हराया जिनकी राजधानी पाली थी, उनको हराया, और पाली के स्थान पर उसने 1000 एडी में तुम्हाड़ को अपनी राजधानी बनाई। कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछता है प्रश्न कभी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी, तो प्रथम राजधानी थी क्या? तुम्हाड़, ठीक। कलिंगराज के द्वारा इसको राजधानी बनाई गई थी 1000 एडी में, याद रखेंगे। इसके बाद इधर सिंधुरगढ़। तो ये पूरा कोयला वाला बेल्ट है, तो सिंधुरगढ़ कोल माइन से आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहां पर मातिन है। तो अभी कुछ समय पहले घोषित हुआ है क्या? लेमरू एलिफेंट रिजर्व। क्या घोषित हुआ है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व।
तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी इसी मातिन वाले एरिया में है। ये वैसे पूरा तो पूरा इधर जशपुर तक का एरिया पूरा कवर करता है ना, तो लेकिन ये आप मातिन को इसी चीज से याद रखेंगे कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक, इतना हमने कवर कर लिया। अब देखो, अब तहसीलों की बात करते हैं। कोरबा जिले में कितने तहसील हैं? तो कोरबा जिले में है 5 तहसीलें। ठीक, कौन कौन सी आप लोगों ने देख रखा है? पहला तो आ जाएगा क्या, पाली। दूसरा, ये कटघोरा भी अपने आप में एक तहसील है। तीसरा, पोड़ी उपरोड़ा एक तहसील है। चौथा, कोरबा का जो जिला मुख्यालय है कोरबा, वो भी एक तहसील है। और इन सब के अलावा करतला, ये भी एक तहसील है। तो इस तरीके से 5 तहसील, कौन कौन से, कटघोरा मतलब पाली, फिर कटघोरा, फिर पोड़ी उपरोड़ा। पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा और नीचे कोरबा और करतला। ठीक, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अरे तीन तहसीलों के नाम में तो के है यार, कोरबा, करतला, कटघोरा, ये तीन तहसील हो गए। दो के नाम में पी है, एक पाली एक पोड़ी। पोड़ी बस याद रखिए ना, पोड़ी उपरोड़ा मत याद रखिए। ऐसे आप याद करेंगे तो एक बार विजुअलाइज करेंगे ना पूरे मैप को, तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो, यहां पर मड़वा रानी माता का मंदिर है, बहुत कुछ विशेष इसमें याद नहीं रखना है आपको। यहां पर है कुदुरमाल, याद रखेंगे। ये जो कुदुरमाल है, ये छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ है ना, कबीर पंथ, उनका फर्स्ट एरिया है या पहली ऐसी जगह थी जहां पर कबीर पंथ की जो गुरु गद्दी थी उसको स्थापित की गई छत्तीसगढ़ में, ये मान के चलिए आप। और यहां पर माघ पूर्णिमा में मेला भी लगता है। कहां पर? कुदुरमाल। मतलब आप ऐसे याद रखेंगे कि कुदुरमाल जो है वो कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। ठीक, इसके बाद एल्यूमिनियम पार्क है, तो यहां पर एल्यूमिनियम पार्क नाम से स्पष्ट है। ठीक, फिर कोरबा। कोरबा जो है ये क्या है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना। इसके बारे में कुछ और चीजें हम आगे देखते हैं, पहले इतने को खत्म करते हैं पहले, है ना। देखो, तो दर्री, ये दर्री में बैराज है, किस पर? हसदेव नदी पर। तो देखो, हसदेव नदी कहां से आती है? कोरिया जिले से निकल के आती है हसदेव नदी, हमने पढ़ रखा है। कुछ इस तरीके से हसदेव नदी आती है और ये चैतुरगढ़ के आगे फिर क्रॉस करती हुई इधर से ये दर्री बैराज को क्रॉस करती है और उसके बाद कुछ इस तरीके से आती है। फिर कौन सी नदी? हसदेव नदी। ठीक, हसदेव नदी पर ही यहां पर बना है हसदेव बांगो डैम। हसदेव नदी पर है और बांगो नामक ग्राम में है, इसलिए इसको कहते हैं हसदेव बांगो डैम। ठीक, जमुनी पाली, जमुनी पाली में एनटीपीसी है, याद रखेंगे। कितनी जगह एनटीपीसी पड़ी थी हमने? तो एक पड़ा था एनटीपीसी सीपत बिलासपुर जिला में, एक है एनटीपीसी जमुनी पाली कोरबा जिले में, और एक है एनटीपीसी लारा जो कि हमको आगे पड़ेगा कहां, रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो यहां पर जमुनी पाली में क्या है? एनटीपीसी। ठीक, इसके बाद एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक, अब इसके बाद छुरी कोसगई। छुरी कोसगई के बारे में आप याद रखेंगे, यहां का कोसा बहुत फेमस है, कोसा। इसके अलावा कोसा जो है ना वो चापा का भी बहुत फेमस है, रतनपुर का कोसा भी बहुत फेमस है। इस तरीके से ये कुछ दो तीन जगह हैं, रतनपुर हो गया, चापा हो गया, छुरी कोसगई हो गया, यहाँ का कोसा बहुत फेमस है, याद रखेंगे, है ना। मतलब कोसा उद्योग के लिए ये जो जगह है वो जानी जाती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखो, अब ये छुरी कोसगई के बारे में एक चीज आप और याद रखेंगे कि कलचुरी राजा बहारेंद्र साय, कौन? बहारेंद्र साय। कलचुरी राजा बहारेंद्र साय ने कुछ समय के लिए छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। छुरी कोसगई को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, ये सारी छोटी छोटी जगहों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम कोरबा पे। ठीक, तो कोरबा के बारे में देखते हैं सबसे पहले, एक मिनट, कोरबा। तो कोरबा में सबसे पहला नाम कोरबा बोलते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए, वो है बालको। बालको, ठीक। दूसरी चीजें, श्यामा
प्रसाद मुखर्जी। तीसरी चीज, यहीं पे डैम को भी हम लेके चलते हैं, हसदेव बांगो बांध। ये तीन चीजें प्रमुख रूप से आपके जहन में आनी चाहिए कोरबा का नाम सुनते ही। ठीक, तो देखो बालको की स्थापना की गई थी 24 नवंबर 1965, 24th ऑफ नवंबर 1965 को बालको की स्थापना की गई थी। और याद रखेंगे किनके सहयोग से की गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछता है, तो रशिया और हंगरी इन दो देशों के सहयोग से बालको जो है उसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में बालको जो है ये केवल शासन का नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में बालको के अंतर्गत जो है वो वेदांता ग्रुप जो है ना, काफी बड़ी बिजनेस ग्रुप का नाम है वेदांता ग्रुप, वो इसके साथ पार्टनरशिप में है, ठीक। लेकिन 51% का अभी भी जो है ना वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक। अब देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये कुछ नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप गृह है, इसकी स्थापना मतलब इसने विद्युत उत्पादन करना शुरू किया था 2009 में, एक वृहत रूप का ये विद्युत उत्पादन यूनिट है और इसकी उत्पादन क्षमता जो है ये है 500 मेगावाट, याद रखेंगे, ठीक है, 500 मेगावाट। इसको ना कोरबा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोरबा वेस्ट। और यहीं पर एक और यूनिट है जिसका नाम है कोरबा ईस्ट। इसका जो निर्माण कार्य है वो 2003 में प्रारंभ हुआ था और 2009 से इसने उत्पादन करना प्रारंभ किया था। इसमें 2009 नहीं आएगा ना, सुधार लेंगे, यह है 2007, ठीक, 2003 में बनना शुरू हुआ, 2009 से विद्युत उत्पादन कर रहा है और ये एक लघु विद्युत उत्पादन यूनिट है यहां पर जिसकी उत्पादन क्षमता है 1.7 मेगावाट, ठीक है, 1.7 मेगावाट। हसदेव बांगो की बात करते हैं हम, हसदेव बांगो डैम की है ना, तो हसदेव बांगो डैम की स्थापना की गई थी 1967 में। हसदेव नदी से जो आने वाला जो पानी है उसकी स्थापना मतलब उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया हसदेव बांगो बांध। और ये हसदेव बांगो क्यों कहते हैं, क्योंकि हसदेव नदी पर बना है और बांगो नामक स्थान पर बना है, इसलिए इसको हसदेव बांगो डैम के नाम से जानते हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और याद रखेंगे 1994 से इसमें विद्युत उत्पादन भी शुरू किया गया और इसकी विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो है पूरे 2600 मेगावाट। देख रहे हैं कितनी ज्यादा विद्युत उत्पादन, इसीलिए ऐसे ही ऊर्जा राजधानी थोड़ी कहते हैं यार कोरबा को छत्तीसगढ़ का, मतलब कोरबा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पावर जनरेशन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2600 मेगावाट। 1994 से हसदेव बांगो जो डैम है इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो शुरू हुई है, ठीक। अब देखो कुछ जगह छूट गई है हमारी, जैसे ये दीपिका तो कुछ याद नहीं रखना है, सब कोयला वाला बेल्ट है ये पूरा, दीपिका कोल माइंस याद रखेंगे, कुसमुंदा और गेवरा याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, ये ओपन कोल माइन है, कोल माइंस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा खुला जो है कोयले का खदान अपन कहें तो कौन सी है, कुसमुंदा गेवरा, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने कोरबा में जितनी भी हमारी काम की जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में पढ़ लिया, तो ये था हमारा कोरबा जिला। नेक्स्ट क्लास में हम जांजगीर चांपा जिले के बारे में चर्चा करेंगे और फिर रायगढ़ जिला के बारे में, और इस तरीके से हमारा बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल धर्म है यार आपका, करना ही चाहिए आपको, है ना।
और इसके अलावा भी अगर आपको और सारी चीज़ें पढ़नी है छत्तीसगढ़ के बारे में या और पिछड़े जिले अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे एक प्रॉपर व्यवस्थित प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और छत्तीसगढ़ की जो पहली क्लास है ना वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।